मेरा एक बहुत मेन डाउट है जो मेरे को आपकी क्लास में आके पूछना था। ये क्लास चल रही है? पूछिए प्रोफेसर साहब से, एक अंडर ग्रेजुएट प्रोफेसर साहब से पूछिए आप। हमारे पास दो आत्मा होती है, एक बुरी एक अच्छी। एक मिनट, क्या होती है? एक बुरी आत्मा होती है, एक अच्छी आत्मा होती है। अच्छा, ये आपको लगता था? ठीक है, तो मैंने क्या कहा, देखने के बाद आई गॉट क्लियर कि वो नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट हैं। तो हमने जैसे अपने नेगेटिव थॉट्स क्लियर ऑफ किए, हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव थॉट है, यानी कि सिर्फ अच्छी आत्मा रहेगी, बुरी आत्मा खत्म होगी। बट फिर भी कभी कभी ऐसा होता है। हाँ, सर प्लीज, ये बहुत बड़ा डाउट है। मैं बड़े अच्छे से सुन रहा हूँ, ये बाकी लोग पागल हैं, ये खच्चर समझ नहीं रहे हैं इस क्वेश्चन की सीरियसनेस को। कभी कभी ऐसा होता है, वो जो नेगेटिव थॉट होते हैं वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव थॉट के ऊपर हावी हो जाते हैं, तब ऐसा लगता है कि हाँ यार, ये नेगेटिव वाला भी सही बोल रहा है, कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेशन जो है वो क्लियर होनी चाहिए। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? मैं बिल्कुल समझ गया हूँ। आपने ये कहा पहले एक बुरी आत्मा होती है, एक अच्छी आत्मा होती है, ऐसा आपको लगता था। बाद में आपको समझ आया कि बुरी आत्मा अच्छी आत्मा नहीं होती है, बुरे थॉट्स और अच्छे थॉट्स होते हैं। फिर आपने क्या किया, अपने बुरे थॉट्स को खत्म कर दिया। हाँ जी। क्या वो खत्म हुए? एक छोटा सा एग्जांपल दूं, कई बार ऐसा भी थॉट आता है, यार वो इतना बुरा कर रहा है मेरे साथ, मार दो, कैसी हो जाए, ऐसा भी आ जाता है दिमाग में। मतलब ये देखो कितना बड़ा, मैं तो कुछ बुरा नहीं किया ना अभी तक आपके साथ। देवी जी, हमारी अच्छी आत्मा है, हमें बख्श देना। मदर से पूछा कि अगर ऐसा कभी आता है माइंड में, और उसके बाद इंस्टेंट ही ये आ जाता है, नहीं यार वो अपनी लाइफ में भी तो अच्छा कर रहा है, बाकी सबके साथ भी तो अच्छा है, तो हमें उसके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो वेदर आई एम अ बैड गर्ल और आई एम अ गुड गर्ल, मैंने अपनी मम्मा से ये कंफर्म किया था जब तक मैं आपकी वीडियोस नहीं देखती थी। पहले ये बताओ, ये जो मम्मी ने बोला ये ठीक था या गलत? क्या बोला मम्मी ने? नेगेटिव गर्ल नहीं है, पहले तो ये क्लियर करो वेदर आई एम अ नेगेटिव गर्ल और अ पॉजिटिव गर्ल। आप पॉजिटिव गर्ल हो, बोल तो दिया हमने, और क्या होगा? आप क्या सुनना चाहते हैं? नेगेटिव गर्ल हो आप? ये नहीं सुनना चाहती हूँ मैं, जो न्यूट्रल आंसर है वो सुनना चाहती हूँ। आप थॉट्स रीड करने आते हैं ना, आप तो मेरे थॉट्स रीड कर पा रहे होगे ना? नहीं, मेरे को नहीं आते ऐसे। मुझे क्या बना दिया आपने, कोई प्रोफेसर, अब मेरे को बाबा बना दिया है कि मेरे में कोई शक्तियाँ हैं थॉट्स रीड कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो थॉट्स होते हैं वो नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, वो भी हमारे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। एक्चुअल में हो सकता है जो आपको नेगेटिव लग रहे हैं किसी और को पॉजिटिव लग रहे हैं, ऐसा हो सकता है। थॉट नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होते, ये हमारा सिर्फ एक ओपिनियन होता है कि ये मेरे थॉट्स आ रहे हैं, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इन रियलिटी थॉट सिर्फ थॉट होते हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं, हम उस पर ठप्पा लगाते हैं कि ये थॉट नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, फिर खुद ही दुखी होते रहते हैं। जैसे ही हमको ये समझ आ जाता है तो हम रिलैक्स हो जाते हैं। अब वो जो लड़ाई है पॉजिटिव को पकड़े रखने की, नेगेटिव से पीछे छुड़ाने की, वो लड़ाई खत्म हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं, जो भी सिचुएशंस होती है हमारी लाइफ में उसको एज इट इज देखते हैं, उसके हिसाब से एक्ट करते हैं। उसके बारे में पॉजिटिव सोचने से क्या होगा, उसके बारे में नेगेटिव सोचने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी किसी से लड़ाई हो रही है तो उसके बारे में आप नेगेटिव सोचते रहो, उससे क्या होगा, लड़ाई सॉल्व हो जाएगी? समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया। अब आप कह रहे हो ये थॉट्स नेगेटिव है क्योंकि इसकी वजह से आप खुद ही परेशान होते हो। पहले हम खुद ही ऐसा सोचते हैं, फिर खुद ही परेशान होते हैं, तो इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। उसके बारे में आप अच्छा सोचते रहो, नहीं नहीं वो तो बहुत अच्छा इंसान है, मैं ही बुरी हूँ। हाँ, ये सबसे होता है। हाँ, देख रहे हो मैं माइंड रीड करता हूँ, कुछ तो पावर्स है। उसके बारे में उल्टा सोचोगे तो उस पर और गुस्सा आएगा, खुद के बारे में उल्टा सोचोगे खुद पे गुस्सा आएगा, खुद पे गुस्सा आएगा तो पूरी दुनिया पे गुस्सा निकलेगा। ऐसे ही होता है ना, जब खुद पे हमको गुस्सा आ रहा होता है तो हम खुद से नाराज होते हैं, तो हम सबसे नाराज हो जाते हैं। खुद से जब हम खुश होते हैं तो सबसे खुश हो जाते हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है कि पॉजिटिव को भी छोड़ो, नेगेटिव को भी छोड़ो, आपको क्या लगता है उसको भी छोड़ो, क्या है उसको देखो। जरूरी नहीं है ना कि जो हमको लगता है एक सिचुएशन के बारे में वो सही है। आपको लगता ही तो है कि वो जो सामने वाला पर्सन है उसने कोई गलती करी है, हो सकता है उसने गलती ना करी हो, लगता ही तो है ना हमको। एक्चुअल में क्या है कि हमको पता है एक्चुअल में वो जो भी गलती थी, जिसको भी हम गलती कह रहे हैं, क्या हम उस जगह पर थे? नहीं थे। क्या हमको पता है उसके माइंड में क्या चल रहा है? क्या हमको पता है क्या वजह थी जिस वजह से उसने ऐसा किया? बस हमको जो लगता है उसी को हम पकड़ के बैठे रहते हैं, फिर खुद ही दुखी होते रहते हैं। तो जो मुझे लगता है अगर उसको मैं छोड़ दूं, और जो तुझे लगता है उसको तू छोड़ दे, एक रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं, और जो एक्चुअल में हो रहा है उसको हम देखें, तो किसी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल सकता है।